अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 3 मिनट रेसिपी में क्रंची वर्मसली डिज़र्ट बनाएंगे। 300 ग्राम सेवइयाँ चाहिए, जो आम हम शीरखोरमा बनाने के लिए पकाते हैं। और आपने देखा किस तरह से सेवइयों को मैंने बिल्कुल चूरा सा कर लिया है। सेवइयाँ तोड़कर बिल्कुल बारीक सी कर लेनी है। आप एक फ्राइंग पैन में या किसी खुले बर्तन में थोड़ा सा देसी घी लिया है मैंने, और इसमें जो चूरा की हुई सेवइयाँ हैं वो डालकर अब भूननी हैं। और थोड़े से आमंड, पिकान और वॉलनट जो हैं वो मैंने चॉप कर लिए हैं। 4 से 5 हरी इलायचियाँ जो हैं वो कूट कर इसमें इसी तरह डाल दी हैं छिलकों समेत। इसको अब हल्की आंच पर भूनना है, इस हद तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए और बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसमें से। अब इस स्टेज में थोड़े से जो चॉप किए हुए ड्राई नट्स हैं वो डाल देने हैं, थोड़े से गार्निश के लिए बचा लेंगे ताकि ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाएं। अगेन इसको हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे वरना ये जल सी जाएंगी। अब जिस बर्तन में हमने इसको सर्व करना है, आधी सेवइयों की तह जो है वो बॉटम पर बिछा देंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे, और बाकी सेवइयाँ एक अलग बोल में निकाल के रख देंगे। मैंने ये स्टेप जो है एक दिन पहले किया था, आप चाहें तो उसी वक्त इसको बना सकते हैं, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा ठंडा सर्व किया जाता है तो बेहतर है इसको प्लंटी ऑफ टाइम पहले बनाएं। 1 लीटर दूध लिया है, इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं कंडेंस मिल्क से बना रही हूँ, और हाफ कंडेंस मिल्क या टू टेस्ट इसमें मीठा डाल सकते हैं। और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने मैंगो कस्टर्ड के डाले हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कस्टर्ड इसमें डाल सकते हैं। और इस हद तक कस्टर्ड को कुक करना है कि वो बहुत थिक भी ना हो और बहुत पतला सा भी ना हो। और जब कस्टर्ड पक जाए तो इसको किसी बर्तन में निकाल कर उसके ऊपर क्लीन फिल्म लगा के रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फिर फ्रिज में रख देंगे। और ये भी मैंने एक दिन पहले स्टेप किया था क्योंकि इसके लिए कस्टर्ड ठंडा चाहिए। अभी नेक्स्ट डे जो है कस्टर्ड काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून तक इसमें दूध डालकर इसको मिक्स करेंगे तो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये देखें, मैंने पहले उस बर्तन में इसको सर्व करना था लेकिन मुझे ये डिश ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये वही सेवइयाँ हैं जो मैंने इसमें बॉटम पे बिछा दी हैं। आप इसको सेम डे भी बना सकते हैं, बस ये है कि कस्टर्ड अच्छे से ठंडा होना चाहिए तो ही हम इसको यहाँ सर्विंग डिश में सेट कर सकते हैं। और जो बची सेवइयाँ थी वो इसके ऊपर गार्निश कर दी, और जो ड्राई फ्रूट बिछाए थे उसे इसको गार्निश कर दिया है, और फिर इसको फ्रिज में रखना है, ये ठंडी ही सर्व की जाएगी। और बेहतर है इसको जिस दिन बनाएं उसी दिन खा लें, अगर ये 1-2 दिन फ्रिज में पड़ी रहेगी तो सेवइयाँ सोगी हो सकती हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें।